वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की। और इसमें जो हमारा सेकंड थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ ए एंड बी आर बोथ नॉन सिंगुलर एन बाय एन मैट्रिसेस, देन ए बी इज नॉन सिंगुलर एंड, और फिर ये रिजल्ट के जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, ठीक है, यानी ए बी इन्वर्स ये किसके इक्वल होगा, ये होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मतलब आप बी इनवर्स मैट्रिक्स पहले निकालेंगे, इनवर्स बाद में उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो वो आंसर ए बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होगा। अब ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए देखें, मैं प्रूफ जो है इसको स्टार्ट करता हूँ। ये बात याद रहे कि जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होते हैं इन्हें हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं, मतलब ऐसे मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखें इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन यह है कि जो ए है ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका भी डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, और जो बी मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका भी डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमने प्रूव क्या करना है, इसमें हमने प्रूव ये करना है कि जो देन के बाद स्टेटमेंट लिखी होती है, मतलब देन ए बी इज नॉन सिंगुलर, हमने बात प्रूव करनी है कि ए बी जो है इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। तो नॉन सिंगुलर किस सूरत में ये प्रूव हो सकता है, देखें एक तो मेरे पास ये है कि मैं कहूं कि ए जो है इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। अगर मेरे पास ये मतलब मेरे पास कोई रीजन ना हो इस चीज का प्रूफ करने का, तो मेरे पास एक ऑप्शन और भी है कि मैं यूं कहूं कि अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए और ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो मैं कहूंगा कि जो ए है देन ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये जो मेरे पास रीजनिंग है इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है जी। तो इसके लिए अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर ए, मतलब यहां पर मैं जो मेरे पास ए बी मैट्रिक्स है इसे मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। और चूंकि मैंने ये रिजल्ट भी प्रूव करना है तो ये भी मेरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि मैं ए बी को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इससे मैं मतलब एक एक मतलब मैं कह सकता हूँ इस मेथड से मैं दो रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है, दोनों बातें मेरी प्रूव हो जाएंगी। अब देखें अगर ए बी नॉन सिंगुलर हुआ तो ए बी का अगर मतलब ये बात भी अगर होल्ड करी होगी ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो हमारा आंसर जो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, अलग अलग कर दूं कि ए बी देन ये बी इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मेरे पास ए इनवर्स लिखा हुआ है। और अब मैं अगर इनका इनका प्रोडक्ट पहले ले लूं, मतलब बी और बी इनवर्स का, ठीक है, इनको मैं विद इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, तो हम जानते हैं कि बी एक क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब कि बी और बी का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो यूनिट मैट्रिक्स आई के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह यहां से भी हम ये बात कह सकते हैं कि ए का और ए के इनवर्स का जो आंसर है वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, इसका भी मतलब ये था ये सिंगुलर इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, इज नॉन सिंगुलर। तो इसमें फिर हम यू लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें ऑर्डर की भी इन्होंने बात की हुई है, चूंकि एन रोज एन कॉलम्स हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए मैं आई एन लिख रहा हूँ। आई यूनिट मैट्रिक्स है, तमाम यूनिट मैट्रिसेस होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, इसलिए एन बाय एन लिखने के बजाय सिंपल एन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां तक आ गए हम, और इससे नेक्स्ट ए मैट्रिक्स जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा बाई डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं रीजन दे देता हूँ, बाय डेफिनेशन, ठीक है जी, ऑफ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब इसमें क्या आएगा जी, ये भी एक नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी, ए इज नॉन सिंगुलर। और यहां भी इसका रीजन भी हम ये देंगे कि बिकॉज बी इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी, सिंगुलर, ये बात आ गई। अब देखें तो यहां तक हमने बात साबित कर ली कि ए बी का प्रोडक्ट बी इनवर्स जो ए इनवर्स से लिया गया है ये आई एन के इक्वल आया, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन के आया है इक्वल, ठीक है।
अब हम इसमें सिमिलरली जो मतलब चूंकि इनवर्स के लिए या नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए हमें अब जो दूसरी साइड है मतलब जो बी इनवर्स ए इनवर्स है मतलब जिससे इसका प्रोडक्ट लिया गया था ए बी का, अब इसका प्रोडक्ट ए बी से लिया जाएगा और इसका आंसर भी इक्वल टू हमारा यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब इक्वल आना चाहिए रिजल्ट। अब देखें इसमें बी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करूं, सॉरी मतलब सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर इस्तेमाल करूं तो ए इनवर्स ए से इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर ये बी, तो ये हमारा आंसर जो है ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आ जाएगा, चूंकि ए और बी दोनों का ऑर्डर एन 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 है, तो ए ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आएगा। यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, बिकॉज ए इज, सॉरी इज में सही तरह नहीं लिख सका, इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी, नॉन सिंगुलर, और यहां से फिर जब बी मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर वापस बी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। यहां पर हम इसका रीजन ये दे देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी, और ये फिर हमारे पास आई एन के इक्वल आ जाएगा, जो के इसलिए है कि बिकॉज बी इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर टू आ गया जिसमें हमने ये बात प्रूव कर दी है कि जो, सॉरी ये मैं थोड़ा सा इसको लाइंड लिखूं, ठीक है जी, कि बी इनवर्स ए इनवर्स ये इसका प्रोडक्ट ए बी के इक्वल है, ठीक है जी। तो यहां से फिर ये बात क्लियर हो रही है, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू के जो ए बी मैट्रिक्स है ये क्या है, इज नॉन सिंगुलर, चूंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये जब मल्टीप्लाई होता है बी इनवर्स ए इनवर्स से तो आंसर यूनिट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। सिंस द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, और ये बात ऑलरेडी मैं इससे पिछले थ्योरम में प्रूव करके आया हूँ, ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस द मल्टीप्लीकेटिव या सिंपल इनवर्स भी हम कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, तो इसका मतलब कि, और ये बात भी हम साथ साथ देख रहे हैं कि ए बी का हमने प्रोडक्ट लिया था बी इनवर्स ए इनवर्स से, ठीक है, और ये आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ गया था हमारा ऑफ ऑर्डर एन, और इसी तरह बी इनवर्स ए इनवर्स का जब प्रोडक्ट लिया गया था ए बी के साथ तब भी यही सेम आंसर आया था। तो इसका मतलब कि अगर हम कंक्लूड करें, वी कंक्लूड दैट कि एक तो ए बी जो है वो नॉन सिंगुलर, और दूसरी बात यह कि जो ए बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो कोई और नहीं वो बल्कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में या तीन मेट्रिसेस हो या चार मेट्रिसेस हो, मतलब इसको हम अब बढ़ा भी सकते हैं, मतलब फिर उनमें शर्त यह है कि तमाम के ऑर्डर एन बाय एन होने चाहिए, जो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, तब उनके तरतीब को उल्टा देंगे, मतलब ए बी लिखा तो हम बी इनवर्स पहले लेंगे ए इनवर्स लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो ए बी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा।